अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद जाकिर रज़ा आप लोगों से मुखातिब हूँ। नमाज ईद के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि नमाज ईद अगर लॉकडाउन जारी रहा ईद तक तो छतों पर अदा की जाए या घर में अदा की जाए या हॉल में अदा की जाए, इस तरीके के सवालात किए जा रहे हैं। इसी बिना पर ईद की नमाज के हवाले से चंद बातें अर्ज की जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान ईद की नमाज घरों में नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि नमाज ईद के सही होने के लिए वही शराइत हैं जो जुमे की हैं। उन शराइत में एक शर्त है इज़्ने आम। इज़्ने आम का मतलब ये होता है कि जहां नमाज पढ़ी जाए वहां आने से किसी को न रोका जाए। बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, जो आना चाहे उसे आने की इजाज़त होनी चाहिए। इसे इज़्ने आम कहते हैं। जो घरों में नमाज पढ़ने की सूरत में बाकी नहीं रहती, नमाज ईद और नमाज जुमा की शराइत करीब करीब एक जैसी हैं सिवाय खुतबे के। नमाज ईद वाजिब होने के लिए जो शराइत हैं उन शराइत में से एक शर्त ये भी है कि हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई रुकावट न हो। जबकि इस वक्त चार अफराद के अलावा या पांच अफराद के अलावा पांच वक्ता नमाज और जुमे की नमाज में शरीक होना कानूनन जुर्म माना जाता है। अगर यही हुक्म ईद के दिन भी कायम रहता है तो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने पर हमारी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का शदीद ख़तरा है। ऐसी सूरत में ईद की नमाज हम लोगों पर वाजिब ही नहीं है। हवाला दुर्रे मुख्तार जिल्द सुवम सफ़ा नंबर 29। इसी बिना पर जो शख्स इमाम के साथ ईद की नमाज नहीं अदा कर सका उसके लिए उस शख्स के ज़िम्मे, यानी जो शख्स ईद की नमाज इमाम के साथ नहीं अदा कर सका उसके ज़िम्मे ईद की क़ज़ा भी नहीं है। वो नमाज ईद की क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकता। हवाला मजमुउल अनहार हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 174। और अगर जुमे की नमाज नहीं पढ़ सका तो जुमे के दिन हम नमाज ज़ुहर उसका बदल अदा कर लेते हैं, मगर नमाज ईद का कोई बदल नहीं। जो शख्स ईद की नमाज पढ़ सके तो बेहतर है, और ईद की नमाज अगर कोई ना पढ़ सके तो बेहतर यह है कि वो चार रकात नमाज चाश्त की अपने घर में अदा करे। बहार शरीयत जिल्द चहारुम सफ़ा नंबर 136। नमाज ईद नमाज चाश्त का वक्त जो है तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट के बाद से जवाल के पहले तक है, लेकिन ईद के दिन ईद की नमाज से पहले न पढ़ी जाए। बहार शरीयत हिस्सा चहारुम सफ़ा नंबर 107। इसीलिए शहर में जब कहीं नमाज ईद हो जाए तो उसके बाद ही
چاشت کی نماز پڑھی جائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم.